हेलो गाइज गाइज, जैसा कि आपको पता है हमारे टेक्नो ज्ञान मास्टर चैनल पर लिए यूट्यूब टिप्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, मोबाइल सेटिंग के बारे में बताता रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई सेटिंग है और आप उसे सीखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्ट मैसेज करें या आप हमें डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या इस सेटिंग पर वीडियो चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास रेडमी का फ़ोन है और आप चाहते हैं कि आपको कोई अनजान व्यक्ति या अननोन व्यक्ति से कॉल ना आए तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, यानी कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कॉल नहीं कर पाएगा, जो नंबर सेव होंगे ओनली उसी की कॉल आएगी। ठीक है, तो बहुत ही स्टेप तरीके से बताऊंगा और आपको ये भी पता चलने वाला है इस वीडियो में, अगर आप चाहते हैं किसी एक दो नंबर की कॉल अपवाना चाहता तो ओनली एक दो नंबर की कॉल आएगी, और आप चाहते हैं कि 5 नंबर की कॉल आए, 10 नंबर की कॉल आए, 1 नंबर की कॉल आए, तो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं किसकी कॉल आनी चाहिए किसकी कॉल नहीं आनी चाहिए। आप ओनली ये चाहते हो कि अनजान व्यक्ति की कॉल ना आए तो वो भी कर सकते हो। तो सिंपली चलेंगे हम पहले डायलर में, ठीक है, और डायलर में जाने के बाद गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये सेटिंग का ऑप्शन आता है बैटरी के निशान के नीचे, यहाँ पर चले जाना है। और बैटरी के निशान के नीचे जाने के बाद आपको ओनली ब्लॉक लिस्ट खोल लेना है, ठीक है, ये ब्लॉक लिस्ट ओपन करना है। अगर आपको ये ब्लॉक लिस्ट यहाँ पर भी ना मिले तो आप अपने फ़ोन की मेन सेटिंग खोल लीजिए, ठीक है, और फ़ोन की मेन सेटिंग खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर जाके कॉल सेटिंग सर्च करना है, क्या सर्च करना है, कॉल सेटिंग, मेन सेटिंग में जाके, ठीक है, कॉल सेटिंग सर्च करोगे तो उसमें आता है ब्लॉक लिस्ट, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कॉल सेटिंग खोलूँगा, और कॉल सेटिंग खोलने के बाद देखो हमें यहाँ पर मिल चुका है ब्लॉक लिस्ट, ठीक है। अगर आपका इस तरह से ऑफ हो तो आप इसे ऑन कर देना, ठीक है, जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो अब आपका काम हो जाएगा चालू, ठीक है। अब आपको सेटिंग कैसे करनी है वो आप जान लो, जैसे ये लिखा हुआ है कॉल ब्लॉक लिस्ट, आपको यही फॉलो करना है, इसी नियम पे चलना है कॉल ब्लॉक लिस्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो मैं समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर क्या क्या फीचर है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम स्ट्रेंगर, यानी स्ट्रेंगर का मतलब होता है अजनबी अनजान, ठीक है, और ब्लॉक फॉरवर्डेड कॉल या कोई कॉल फॉरवर्डेड है उसे ब्लॉक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के नंबर को ब्लॉक करना वो भी कर सकते हो, ठीक है, तो कोई हिडन नंबर है उन्हें भी आप ब्लॉक कर सकते हो। तो सिंपली हम पहले हम जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का जो टाइटल है जो थंबनेल है वो है हमारा अनजान व्यक्ति को ब्लॉक करना, तो वो आप सीख लीजिए, बहुत ही ईजी है। तो आपको इस सेटिंग को ओके कर देना है और यहाँ पर आता है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कर दीजिए, यानी ऑल कॉल्स फ्रॉम स्ट्रेंगल विल बी ब्लॉक, यानी आप अनजान व्यक्ति को सभी को ब्लॉक कर रहे हो कि हाँ ठीक है ब्लॉक कर दो। अब आपकी सेटिंग हो चुकी है गाइज, अगर आपको ओनली अनजान व्यक्ति को नंबर को ब्लॉक करने के लिए आए थे आप तो आपकी सेटिंग हो चुकी है, आप इस वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा बातें सीखना चाहते हो तो वो भी आप सीख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके जो नंबर सेव है वो उसमें से भी आपको कोई कॉल ना कर पाए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोबारा से। आपको सिंपली कॉल ब्लॉक लिस्ट में जाना है, ठीक है, कॉल ब्लॉक लिस्ट में जाने के बाद आप चाहते हो ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट, तो आप इस पर क्लिक करिए और जो आपके कॉन्टैक्ट होंगे वो भी सभी ब्लॉक हो जाएंगे, यानी जो भी आपके पास नंबर सेव है ना वो भी ब्लॉक हो गए हैं गाइज, वो भी ब्लॉक हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई हिडन नंबर है उसे भी ब्लॉक करना चाहते हो तो इन्हें भी आप ब्लॉक कर सकते हो, यानी अब ये आपकी कॉल्स हो गई हैं सभी ब्लॉक, अब आपको ना कोई कंपनी कॉल कर पाएगी ना कोई आपका जो नंबर सेव है वो कॉल कर पाएगा, यानी कोई भी व्यक्ति अब आपको कॉल नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई एक व्यक्ति कॉल करे आपको तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जाना है बैक, ठीक है, और बैक जाने के बाद यहाँ पर आता है एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन में आपको चले जाना है। एक्सपेक्टेशन का मतलब है हमें जो एक्सपेक्ट चाहिए, हमें जो कॉल चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन में जाएंगे सिंपली, और सिंपली जाने के बाद यहाँ पर ऐड पे जाना है, और ऐड पे जाने के बाद आप अपना ऐड फ़ोन नंबर डायल कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी, ठीक है, जैसे मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ये नंबर डायल कर दोगे तो और ऊपर से इसे टिक कर दोगे तो क्या इसी की कॉल आएगी, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर नाम भी लिखा गया, ठीक है, ये क्या आपने इस नंबर को इस नाम से सेव कर रखा है, तो हमने क्या कर दिया इस नंबर को एक्सपेक्टेशन में डाल दिया है, और देखो लिखा भी आ गया अलाउ कॉल्स एंड SMS, यानी इसकी कॉल्स आएंगी और SMS आएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके SMS ना आए तो भी आप यहाँ से कर सकते हो कुछ, ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं और भी नंबर में ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ऐड फ़ोन नंबर जाओ, अगर आपको नंबर याद नहीं है तो ऐड कॉन्टैक्ट में जा सकते हो, जो आपके नंबर सेव होते हैं वहाँ से आप ये नंबर यहाँ पर नंबर नाम ढूंढ के निकाल सकते हो, जैसे कोई नोएडा का नंबर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप कोई भी नंबर यहाँ से निकाल सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैंने ये डाला चंदन जी नोएडा, तो ये नंबर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट में आ गया। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर दो नंबर आ चुके हैं, अगर आपको लगता है कोई नंबर गलत आ चुका है मैं जिसकी कॉल नहीं चल रहा तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक पर नंबर पर क्लिक करके रखोगे साइड में, ठीक है, अलाउ कॉल्स एंड SMS के ऊपर थोड़ा सा क्लिक करके रखोगे, क्लिक करके रखा तो यहाँ पर आ गया डिलीट, डिलीट कर दोगे और रिमूव हो जाएगा, सिंपल तरीके से रिमूव भी कर सकते हो।
अभी गाय जा रहा है ब्लॉकलिस्ट नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं ब्लॉकलिस्ट के नोटिफिकेशन देखना, जो नंबर आपके पास ने ब्लॉक किए हैं, तो आप उनके नोटिफिकेशन देख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते, नेवर कर सकते हो यहाँ पर कि ब्लॉकलिस्ट के मेरे पास नोटिफिकेशन ना आए, तो वो भी कर सकते हो, पर अलाउ नंबर कर रखना चाहिए, ज़्यादातर आपको पता चलता रहे, ठीक है। तो गाय सिंपली आपने सीख लिया है। अभी आ रहा है जियो सिम 2, ठीक है। अगर आपने जो सिम 1 पर सेटिंग करी है, अगर वही सेटिंग आप दूसरे पे भी चाहते हो, तो वही सिंपली आपको यूज सिम 1 सेटिंग, तो इसे आप ओपन कर दीजिए। तो जो सेटिंग आपने सिम 1 पर करी है, वही सिम 2 पे हो जाएगी, पर हम इसे ऑफ रखेंगे, ठीक है। तो हमें ओनली सिम 1 पर सेटिंग चाहिए कि हम इस नंबर पर किसी की कॉल ना आए, अनजान व्यक्ति की या किसी की भी, तो वो हमने कर दिया कॉल ब्लॉकलिस्ट। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, जो हमारे पास नंबर सेव है उनकी कॉल आए, तो वो कर सकते हो आप। हिडन नंबर की कॉल आए, वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, अनजान व्यक्ति की भी कॉल आना जरूरी है, तो आप इसे बंद भी कर सकते हो यहाँ पर सिंपल तरीके से। तो आज मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया नंबर को ब्लॉक करना, ठीक है, और सिंपल तरीके से बताया, बहुत ही आसान तरीके से, कि रेडमी फ़ोन में आप किसी भी नंबर को ब्लॉक, मतलब अनजान व्यक्ति को ब्लॉक कैसे कर सकते हो। और फिर अगर आपको अनजान व्यक्ति को ब्लॉक नहीं रखना है, तो आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हो, यानी उसे सेटिंग को सेव भी कर सकते हो, यानी सुधार भी सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो को बस हम यहीं ख़त्म करेंगे। गाइज, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और गाइज वीडियो को एक लाइक भी करेंगे, तो हमें बहुत ही अच्छा और लगेगा, मोटिवेशन आता है हमें वीडियो बनाने के लिए। और भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई डाउट रह जाए, आपको कोई सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके समझाएं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी ये सेटिंग आगे नहीं बढ़ पा रही है, कैसे करेंगे, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।